कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा के विकास का दावा और विकास का ये रोजाना सड़क पर होने वाला नज़ारा, ये विकास की परिभाषा में कहाँ फिट बैठता है कि मेन रोड पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार कचरा डंपिंग होती है मुमरा में, इसके लिए अंदर की तरफ मनपा किसी जगह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती? जनप्रतिनिधि इस मामले में अभी तक चुप क्यों है? अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ के प्राइवेटाइजेशन के तहत कचरा संकलन का काम दिया गया है, मगर रोज़ाना ये जो कचरा यहाँ पर पड़ता है, रोज़ाना ये जो कचरा यहाँ पर गिरता है, इसकी वजह से यहाँ आपको बता दें, ये सामने की पूरी आबादी है ये आबादी, और इसके अलावा यहाँ हम आपको लेके चलेंगे पीछे उस तरफ की आबादी। इन लोगों को जो है प्रतिदिन नारकीय यातनाओं से और दुर्गंधी भरे हवा से जो है जूझना पड़ता है। और हमारे साथ यहाँ पर ये तमाम, हमने जो परिसर बताया, वहाँ के दुकानदार, रहवासी, जैनुल आबिदीन अपार्टमेंट है ये बिल्कुल सड़क पर और इसको लग करके सट करके बेतेसदा चर्च को, तो वहाँ की ये तमाम महिलाएं खड़ी है, दिन भर किस तरीके से इस कचरे की दुर्गंध की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बीमारियाँ घिरती चली जा रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नफीस नाम है। नफीस भाई, हाँ नफीस, कहाँ रहते हैं आप? सामने दुकान है अपनी। सामने दुकान है आपकी? हाँ। कौन सी है, जेड डिग्री या फेमस? फेमस 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 एंटरप्राइज है। हाँ। क्या क्या परेशानी है इस कचरा डंपिंग से? बहुत परेशानी है, आदमी वहाँ दुकान में खड़ा नहीं हो पाता, इतना गंदगी आती है। अच्छा। हाँ। तो धंधे पर भी असर पड़ता होगा? धंधे पे क्या, फैन बंद करना पड़ता है, कस्टमर को भी वहाँ रुकना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो उस वजह से कस्टमर भी कम आते होंगे? कम आते हैं ना कस्टमर। सेहत का भी मसला है? सेहत का भी मसला पूरा है ना। हाँ ठीक है। हमारे साथ सोनाजी नगर के यहीं के निवासी है, क्या कहेंगे आप, ये क्या समस्या जो चल रही है, कितने लंबे अरसे से चल रही है और इससे क्या परेशानियाँ हो रही है? अस्सलाम वालेकुम चाचू, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन साल भर से अपनी खिड़की नहीं खोल पा रहा हूँ। अच्छा। और इतनी बदबू है, सुबह से लेकर रात 9 बजे तक इतनी बदबू आती कि मैं अपनी खिड़की नहीं खोल पाता हूँ। मेरे घर में काफ़ी बच्चे हैं, अभी कोविड का पीरियड चल रहा है तो बीमार उमार की भी बहुत मतलब तकलीफ परेशानी, तो इसलिए मैं खिड़की नहीं खोल पाता। वो सामने मेरा घर है, अभी वो मेरी मम्मी खिड़की खोल के देख रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये दोनों खिड़की, वो दोनों जी, वो हमेशा ही बंद रहती है। अच्छा। इतनी परेशानी क्या बोला जाए, कंप्लेंट भी किया है, फ़ोन भी करते हैं डेली बेसिस पे, डेली फ़ोन किया जा रहा है उनको। अच्छा, किस किस को कंप्लेंट की, किस किस को फ़ोन किया? मैंने तौफीक भाई को, शानू भाई को, सबको फ़ोन किया। 2 दिन पहले यहाँ मीटिंग थी मर्दिया पठान की, तो उनसे भी कंप्लेंट दी गई, वो खुद आई थी तो तकरीबन 6-7 बजे करीब, तो भी बास आ ही रही थी, उनको बताया कि देखो मैडम बास आ रही है अभी भी, तो कुछ करते हैं, पता नहीं इतना कचरा कहाँ से आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। साल भर से हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा ही हो गया कचरा। कचरा ला करके यहाँ डंप किया जाता है, तो यहाँ क्यों, कोई स्पेशल अच्छी जगह पीछे कर दीजिए, बैक साइड भी जगह है, बहुत जगह है, काफ़ी जगह है। मेरे ख्याल से उनका प्रोजेक्ट जो है शायद ख़राब हो जाए, उसके वजह से नहीं लोगों को तकलीफ देना चाह रहे हैं, लेकिन बैक साइड कर सकते हैं, बहुत जगह है। हाँ, अच्छी बात कही इन्होंने, बसी हुई आबादी भले मर जाए लेकिन भविष्य जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, कैसे बन रहा है अलग बात है, लेकिन उसको बचाने के लिए ये कचरे का ग्राउंड अंदर नहीं ले जा सकते, क्या कहेंगे आप? इसके लिए सिंपल ये है कि इधर ये ना बिल्डर माफिया चल रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा। पब्लिक के जान के ऊपर खेल कर ना सब काम किया जा रहा है, ये चाहे तो जैसा दीवा वालों का ऑब्जेक्शन आया उसको यहाँ से हटाया, तो यहाँ से दूसरी कोई रिप्लेसमेंट उनको अल्टरनेट जगह है, मगर दे रहे क्यों नहीं है, हमारा सिंपल सवाल ये है। प्लस ये जो गाड़ी जो है तो सुबह से शाम तक का क्रॉसिंग करना चलना भी दुश्वार कर दिया उन लोग, इस ढंग से इधर डंपिंग वाले गाड़ियाँ रखते हैं इधर। अच्छा। अब उसका एक्सीडेंट होगा तो उसका जिम्मेदार कौन? हमारे साथ महिला है, सबसे पहले जिस बहन ने हमसे फ़ोन पर संपर्क किया और फिर हमें बुलाया यहाँ पर, जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तबस्सुम शेख है। तबस्सुम जी, कौन सी बिल्डिंग में रहती है आप लोग? जी मैं उस्मान जैनुद्दीन अपार्टमेंट में रहती हूँ, हम लोग को इतनी तकलीफ हो रही है। ये तमाम आपके साथ जो महिलाएं खड़ी है सब वही बिल्डिंग की है? यही बिल्डिंग की है, मेरी ही बिल्डिंग की है। इतनी तकलीफ होती है हम लोग को कि हम लोग को देखो, मुझे माइग्रेन है, मेरी हालत देखो, मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं किसके पास जाके बोलूँ। यहाँ के नगर सेवकों से मेरी विनती है कि मेहरबानी करके ये कचरा हटाइए। मेरी बहन है, इसको साइनस का प्रॉब्लम है, इसको कितनी तकलीफ होती है, हम 1 मिनट के लिए खोल नहीं सकते खिड़की। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि करोना करोना करते हो आप लोग, सबसे पहला तो इंसान ये बात से मर जाएगा।
आप लोग क्यों हमारी मदद नहीं करते हो? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमसे आप लोग उम्मीद रखते हो कि हम आपको वोट देंगे, वो भी हम करते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करो तुम लोग, वो भी नहीं करते हो आप लोग, तो हम किधर जाके फरियाद करेंगे? हर बार यही कचरा होता है, यही नाटक होता है, तो कितना करेंगे हम, बर्दाश्त कब तक के करेंगे? अच्छा, ये कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया इस तकलीफ को आप झेल रहे? 1.5 साल से यही तकलीफ है, अभी ये 6 महीने से तो बहुत ज्यादा हो गई है। पूरा मुमरा का कचरा आके इधर ही डालते हैं, तो ये क्यों, कब तक के चलेगा ये? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कम से कम बच्चे लोगों के लिए बोलते हैं, आप घर में रहो, घर में रहो। बच्चे मेरे, ये छोकरा मेरा इधर है छोटा सा, वो पूरा दिन मेरे को कल का हैरान किया है कि इतनी परेशानी, मम्मी घर में मैं नहीं रह पा रहा हूँ, या तो मुझे खेलने जाने दो या तो मेरे को घर में मार डालो, अब मैं क्या करूँ, इतनी बास आती है या उल्टी हो रही है। हमारे घर में आप सब आदमी लोग चलो और देखो कितनी बास आ रही है। शानू भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये साफ कराइए, प्लीज़ साफ कराइए आप। ये तमाम जो है, सोनाजी नगर, संतोषी नगर, बेतेजदा चर्च, जैनुल आबेदीन अपार्टमेंट, यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं, इस 1.5 साल से जो कचरा डंपिंग यहाँ पर किया जा रहा है, पूरे शहर का नहीं तो कम से कम आधे से ज़्यादा शहर का कचरा यहाँ पर लाके डाला जाता है, यहाँ से फिर वो डंपर में भर के दीवा डंपिंग ग्राउंड अभी फिलहाल जारी है, क्योंकि जो स्थानांतरित हुआ था अभी तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर ये कचरा जाता है। किस तरीके से ये लोग परेशानियों में, बीमारियों में, और किस तरीके से ये दुर्गंधी में जी रहे, यहाँ के लोगों ने अपनी दास्तान बयान की है। 1.5 साल से कचरा रोड पर डंप हो रहा है, ये विकास का जो है मुमरा का पथ प्रदर्शक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते।